गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम मैथ्स में चैप्टर 9 नंबर्स फ्रॉम 51 टू 100 करेंगे, मतलब आगे की एक्सरसाइजेस करेंगे। तो पेज नंबर 115 ओपन कर लें सभी बच्चे बुक में। तो क्या दिया है, राइट द मिसिंग नंबर्स इन द टेबल। यहाँ पर हमें एक टेबल दे रखी है, क्या दे रखी है, एक टेबल दे रखी है, इसमें नंबर्स मिस हैं, कुछ नंबर्स गायब हैं, तो वो हमें क्या करना है, फिल करना है। तो देखिए यहाँ है 2, 2 से पहले कौन सा नंबर आता है, 1 आता है ना, तो कौन सा मिस था यहाँ पर, 1, तो 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद क्या आएगा, 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, क्या आएगा यहाँ पर, 10। तो 1 टू 10 मैंने फिल कर दिया। अब 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15 दे रखा है, 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 90, 19 के बाद 20। तो 20, और 20 के बाद क्या आएगा वो लिखिएगा। तो आपको 1 to 100 दे रखी है काउंटिंग, क्या दे रखी है, 1 to 100 काउंटिंग दे रखी है। ये आपको अपने आप फिल करनी है, सभी बच्चे फिल कर लिएगा। तो ये आपको वह किस में करना है, बुक में करना है, किस में करना है, बुक में करना है। ओके बच्चों, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट पेज टर्न कर लिए। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या दिया है, राइट द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर इन द बॉक्सेस। यहाँ पर आपको क्या बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर बताना है। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा और लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा और लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा। इन नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर बताना है, तो सबसे छोटा यहाँ लिखना है, और जो सबसे बड़ा हो इनमें से तो वो यहाँ लिखना है। ओके, तो पहला नंबर क्या है, 34, 76, 42, 53। ये है 30s की लाइन में आता है, ये आता है 70s की लाइन में, और ये 40s की लाइन में, और ये 50s की लाइन में। तो सबसे पहले कौन सी लाइन आती है, सबसे पहले आती है हमारी 30s की लाइन, पहले 10 की लाइन आती है, फिर 20 की लाइन आती है, और ये 30। तो सबसे पहले आया ना 30s की लाइन, फिर 30s के बाद 40s की लाइन, फिर 40s के बाद 50s की लाइन, 50s के बाद 70s की लाइन। तो सबसे छोटा हमारा कौन सा नंबर हुआ, इसमें सबसे पहले कौन सी लाइन आती है, 30s की लाइन। तो मतलब 34 हमारा सबसे छोटा हुआ, 30s की लाइन में ही तो आता है ये, तो 34 सबसे छोटा है, तो ये यहाँ लिखेंगे। और सबसे बड़ा, अब ये सबसे छोटा हो गया, अब इनमें से देखना है सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो सबसे बाद में कौन सा आता है, कौन सी लाइन सबसे बाद में आती है, 70s की लाइन, 40s की लाइन, 50s की लाइन। सबसे बाद में कौन सी लाइन आती है, 70s की लाइन, कौन सी आती है, 70s की लाइन। तो ये 70s की लाइन में तो आता है 76, तो ये सबसे बड़ा नंबर हो गया ना, तो 76 सबसे बड़ा नंबर हो गया हमारा। आप लाइन से पहचान ही पा रहे हो कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है, तो फिर आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। तो हम फर्स्ट डिजिट पर अंडरलाइन कर लेंगे, सभी फर्स्ट डिजिट पर अंडरलाइन कर लेंगे। 34 में 3 पर, 76 में 7 पर, 42 में 4 पर, 53 में 5 पर। तो इस पर अंडरलाइन कर ली। अब हमें पता चलेगा कैसे कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो जो सबसे पहले नंबर आए, जिस पर अंडरलाइन लगाएंगे, जो सबसे पहले नंबर आए वही सबसे छोटा नंबर है। तो ज़ीरो से काउंटिंग करते हैं, ज़ीरो, ज़ीरो है यहाँ पर जिस पर अंडरलाइन की, नहीं है। वन, वन है, नहीं है। टू, टू है, नहीं है। थ्री, थ्री है, तो थ्री, और सब तो थ्री से बड़े नंबर है ना, तो 3 सबसे छोटा हो गया, सबसे पहले आता है, तो 34 हमारा सबसे छोटा है इनमें से, तो 34 लिख दिया। तो ऐसे लिख सकते हो आप। और सबसे बड़ा नंबर जो सबसे बाद में आता है, जिस पर अंडरलाइन लगी है वही देखना है, जो सबसे बाद में आता है वो सबसे बड़ा होगा।
जैसे ये वाला तो छोड़ देंगे, फिर इनमें से हमें बताना है सबसे बड़ा कौन सा है। हाँ 7, 4, 5 ये सबसे बाद में आएगा, काउंटिंग कर लीजिए 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 7 सबसे बड़ा हो गया क्योंकि सबसे बाद में आया है। 4 और 5 76 से छोटे हैं ना, तो सबसे बड़ा कौन सा है 76, तो 76 लिख लिया। ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना। अब देखिए नेक्स्ट वन है हमारा 55, 90, 21, 59। अब ये 50s की लाइन में आता है 55, ये 90 की लाइन है और ये 20s की लाइन है और ये 50s की लाइन है। अब देखिए यहाँ हमें सबसे छोटा बताना है, कौन सा नंबर बताना है, सबसे छोटा फिर सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, तो 55 होगा 50s की लाइन वाला, 90s की लाइन वाला, 20s की लाइन वाला, 50s की लाइन वाला। तो सबसे पहले कौन सी लाइन आती है बताइए, कौन सी लाइन आएगी, 50s की आएगी, 90s की आएगी, 20s की आएगी, 50s की आएगी। तो 20s की आएगी ना सबसे पहले, तो 21 हमारा सबसे छोटा नंबर है, 20s की लाइन में आया ना 21, तो सबसे छोटा नंबर हो गया 21। और सबसे बड़ा बताना है तो इसे छोड़ देंगे, अब कौन रहेगा 1, 2, 3 इनमें से सबसे बड़ा बताना है। तो कौन सी लाइन पहले आएगी, सॉरी बाद में आएगी, सबसे बड़े नंबर में क्या देखते हैं, जो लाइन सबसे बाद में आए वो हमारी सबसे बड़ी होती है। तो 50s की लाइन, 90s की लाइन, फिर 50s की लाइन, तो 2 50s की लाइन है, क्या है, 2 50s की लाइन है। तो सबसे बड़ा नंबर देखना है मैम, तो कौन सी लाइन बाद में आती है, 50s की आती है कि 90s की आती है। ये दोनों तो 50s की लाइन में हो गए और ये 90s की लाइन में, ये बाद में आता है ना, तो ये सबसे बड़ा नंबर हो गया 90, 9090, ये 90 की लाइन है, तो 90 सबसे बड़ा नंबर हो गया। ठीक है बच्चों, अगर आप पता नहीं लगा पाओ कि कौन सी लाइन सबसे पहले आती है और सबसे बाद में आती है, मतलब सबसे छोटी नंबर की लाइन सबसे पहले आती है और सबसे बड़े नंबर की लाइन सबसे बाद में आती है, तो कैसे पता करेंगे फिर हम कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है और कौन सा बड़ा है, तो अंडरलाइन लगा लेंगे फर्स्ट डिजिट पे 1, 2, 3, 4। तो सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पर हमारा नंबर, तो कहाँ से काउंटिंग करेंगे 0 से, तो 0, 1, 2, तो कौन सा नंबर आ गया हमारा 2 आ गया। तो ये सबसे छोटा नंबर हुआ, सबसे पहले आया जो 21, देखिए लिख दिया यहाँ पर 21 सबसे छोटा, वही बात है ना। अब सबसे बड़ा मतलब सबसे जो बाद में नंबर आए तो वो सबसे बड़ा है, तो 5, 9, 5, 5, 9, 5 तो सबसे बाद में आता है 9, 5 तो नहीं आता, ये दोनों 5 की है, 9 सबसे बाद में आता है, काउंटिंग कर लीजिए चाहे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 5 पीछे रह गया, 9 आगे आ गया, तो 9 सबसे बड़ा नंबर है, तो 90 सबसे बड़ा नंबर हुआ, तो 90 लिख दिया। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया है बेटा, राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स, यहाँ पर हमें नंबर्स दिए हैं, वो हमें किस में लिखने हैं, असेंडिंग ऑर्डर्स में। तो असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है हमारा, देखिए असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर जाते हैं, तो वो हमारे असेंडिंग ऑर्डर्स कहलाते हैं। छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर जाते हैं तो वो हमारे असेंडिंग ऑर्डर्स कहलाते हैं। स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट नंबर की ओर जाते हैं तो हमारे असेंडिंग नंबर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 44, 30, 78, 81। यहाँ पर हमें पहले सबसे छोटा नंबर देखना है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर कंटिन्यू ऐसी करना है हमें। ठीक है, तो सबसे छोटा इनमें से नंबर कौन सा है, 40s की लाइन वाला, 30s की लाइन वाला, 70s की लाइन वाला, 80s की लाइन वाला। तो जो सबसे पहली लाइन आती है वही हमारा सबसे छोटा नंबर हो गया। तो 10s की लाइन है, नहीं है। 20s की, नो। 30s की, हाँ 30s की लाइन है।
और ये 40s की हो गई, 70s की हो गई, 80s की हो गई। तो सबसे पहली लाइन कौन सी आती है? 30s की, मतलब 30 आएगा सबसे पहले। सबसे छोटा नंबर हमारा 30 आ गया, 30 30, और फिर कॉमा लगाएंगे। ओके, अब 30s की लाइन के बाद 40s की लाइन आ गई। 40s की लाइन है तो देखिए, 40s की लाइन वाला है 44, तो ये 30 से बड़ा, मतलब 44 30 से बड़ा, और ये तो और बड़े हो गए है ना। तो क्या लिखना है हमें? 44। 30 के बाद कौन सी लाइन आ गई? 40s की लाइन, मतलब 44। ओके, कॉमा लगा दीजिए। फिर ये दोनों हो गए, ठीक है। इसके बाद इन दोनों में से बताना है कौन सा पहला आएगा, कौन सा छोटा नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है इन दोनों में से, 78 है या 81 है, मतलब 70s की लाइन वाला, 80s की लाइन वाला। तो 70s की लाइन पहले आती है ना, तो ये छोटा हो गया, तो 78 पहले आएगा। ओके, तो 30 44 78 और कॉमा। अब लास्ट के रह गया 81, तो 81 लिख देंगे। ओके, तो देखिए 30 30 से बड़ा, 44 44 से बड़ा, 78 78 से बड़ा, 81। तो ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर्स हो गए, छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर गए, तो यही हमारे असेंडिंग ऑर्डर्स हैं। अब आप पता नहीं लगा पा रहे हो कि नंबर से आप पता नहीं लगा पा रहे हो कि छोटा नंबर कौन सा है, तो कैसे आप करोगे फिर? आपको ऐसे नहीं आता कि 44 30 70 81 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ऐसे नहीं पता आपको लाइन्स के अकॉर्डिंग। तो आप कैसे करोगे? फर्स्ट डिजिट पर अंडरलाइन लगा दोगे, पहली डिजिट पर अंडरलाइन लगा दोगे सभी की, है ना। यहाँ 44 में 4 पर, 30 पे 3 पर, 78 में 7 पर, 81 में 8 पर, तो इस पर अंडरलाइन लगाई। अब सबसे पहले नंबर कौन सा आता है, सबसे पहले नंबर कौन सा आता है? तो 0 से काउंटिंग करेंगे, 0, और किसको देखना है? जिस पर अंडरलाइन की आपने, 0 है जिस पर अंडरलाइन की 0 उसमें? नहीं है। 1 1 है? नहीं है। 2 है इनमें जिस पर अंडरलाइन की? नहीं है। 3 3 है? हाँ 3 है। तो ये सबसे पहले आ गया ना, तो ये सबसे छोटा हो गया, तो 30 लिख दिया। और 3 के बाद 4 4 है? हाँ 4 है। 44 तो 44 लिख दिया। 4 के बाद 5 5 है नहीं, तो 5 नहीं लिखेंगे, 5 वाली लाइन है नहीं। 6 नो। 7 हाँ 7 है, तो देखिए यहाँ लिख दिया 78 लिख दिया 78। तो 7 के बाद 8 8 पर आ गए, है ना, 81। तो 30 30 से 30 से बड़ा 44 44 से बड़ा 78 78 से बड़ा 81। तो ऐसे ही करना है आपको। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पहला है 12 61 23 17, तो कौन सी लाइन पहले आएगी? 10 की लाइन आएगी, 20 10s की लाइन आएगी, 20s की लाइन आएगी, 30s की लाइन आएगी, कौन सी आएगी पहले? तो ये है 10 की लाइन, 60s की लाइन, 20s की लाइन, 10s की लाइंस। तो देखिए 10s की लाइंस तो दो हो गई यहाँ पर हमारी, 10s की लाइंस दो हो गई हमारी, 12 और 17। तो 12 और 17 में सबसे पहले कौन सा आता है नंबर, कौन सा आता है 12 और 17 में? 12 आता है ना, तो 12 हमारा सबसे छोटा हो गया। क्या हो गया? 12 सबसे छोटा हो गया, तो सबसे पहले लिखेंगे। अब 12 के बाद कौन सा आएगा? ये भी तो 10s की लाइन में था, 12 के बाद क्या आएगा? 17। 12 से बड़ा 17, अब क्या आएगा? ये दोनों हो गए, अब क्या रहेगा? इन दोनों में से देखना है, इन दोनों में से छोटा कौन सा होगा? 61 ये 23। 20s की लाइन पहले आएगी कि 60s की लाइन आएगी? 20s की आएगी ना, तो 23 पहले लिख देंगे, फिर 61 लिख देंगे। ओके, तो 12 से बड़ा 17, 17 से बड़ा 23, 23 से बड़ा 61। छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर गए, तो यही हमारे असेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। अब आप पता नहीं लगा पा रहे हो कि कौन सी लाइन पहले आती है, तो आप मतलब ऐसे नहीं कर पा रहे हो कौन सी लाइन पहले आती है, तो कैसे आप पता लगा पाओगे कौन सा नंबर छोटा है? तो फर्स्ट नंबर पे अंडरलाइन कर देंगे, 1 6 2 1। तो सबसे पहला नंबर कौन सा आता है? 1 आता है, 6 आता है, 2 आता है, 1 आता है। 1 के तो 2 हैं, 1 के 2 हैं, तो 2 हैं 1 के, तो बाद वाले नंबर पे हम सर्किल करेंगे, बाद वाले नंबर पे हम सर्किल करेंगे और देखेंगे पहले नंबर कौन सा आता है, 2 के 7। तो पहले नंबर तो 0 1 2 2 तो आता है, 7 तो नहीं आता,
तो देखिए 12 हमारा सबसे छोटा हो गया तो लिख दिया। फिर आ जाएगा हमारा 2 के बाद 7, ठीक है, क्या आ जाएगा 2 के बाद 7 मतलब 17। फिर 2 के बाद अब ये हो गए 12 और 17, ये दो हो गए, अब क्या रहेगा 61 और 23। तो 6 आता है और 2 आता है, कौन सा पहला आता है, छोटा नंबर देखना है ना इसमें, तो कौन सा नंबर पहला आता है 2 वाला, कौन सा आता है 2 वाला, 0 1 2 2 पहला आता है ना, 6 बाद में आता है 23, लिखेंगे फिर 70s के बाद 23, 23 के बाद लास्ट कौन सा रह गया 61, तो 61 लिख देंगे, तो 12 17 23 61। तो ऐसे ही करना है आपको, देखिए ध्यान रखिएगा दो सेम डिजिट वाले हैं तो इनमें आप ध्यान से करिएगा, ओके बच्चों। और ये वाले जो बचे हैं ना तो ये आपको खुद से करने हैं, आपको खुद से करने हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, राइट द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स, यहाँ पर नंबर्स दे रखे हैं, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर्स होते क्या हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर जाते हैं वह डिसेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, क्या होते हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर जाते हैं वह डिसेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट नंबर की ओर जाते हैं वह डिसेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर नंबर्स दे रखे हैं 75 22 49 65। अब देखिए 75 70s की लाइन में आया, 22 20s की लाइन में आया, और 49 40s की लाइन में आया, 65 60s की लाइन में आया। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम सबसे बड़ा नंबर देखेंगे, क्या करते हैं डिसेंडिंग में सबसे बड़ा नंबर पहले लिखते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 70s की लाइन वाला, 20s की लाइन वाला, 40s की लाइन वाला, 60s की लाइन वाला, 70s की लाइन वाला, 20s की लाइन वाला, 40s की लाइन वाला, 60s की लाइन वाला, जो सबसे बाद में लाइन आती है वही सबसे बड़ा नंबर होता है। तो कौन सी आती है सबसे बाद में, 75 की लाइन आती है, मतलब 70s की आती है ना सबसे बाद में, 75 हमारा सबसे बड़ा नंबर हो गया। चाहे आप पढ़ के देख लीजिए, 10 है, आप 10 की लाइन है, 20s की है तो ये तो पहले आ गए, फिर 30s की है नहीं, 40s की हाँ ये है तो ये नहीं लिखा जाएगा, सबसे बाद में देखना है ना हमें, फिर 50s की है नहीं, फिर 60s हाँ तो 60s की है, और 60s से बाद भी है, 60s के बाद 70s की है, तो 70 सबसे बड़ा हो गया क्या, नहीं हो गया है, सबसे बाद में आया है नंबर, तो ये 70s की लाइन वाला आ गया, तो 75 हमारा सबसे बड़ा नंबर हो गया क्योंकि सबसे बाद में आता है, ठीक है 75। और 75 से छोटा अब इनमें से देखना है ना हमें, 22 49 65, तो कौन सी लाइन सबसे बाद में आती है, 60s की लाइन आती है ना सबसे बाद में, 40s की तो पहले आ जाती है, 22 की पहले आ जाती है, 60s की बाद में आती है, तो 65 हो गया, 75 से छोटा हमारा 65, कॉमा लगा देंगे। अब 22 49 में देखना है कौन सी लाइन बाद में आती है, 20s की आती है, 40s की आती है, तो 40s की आती है, मतलब 49 22 से बड़ा है तो वो लिख देंगे, फिर कॉमा लगा दिया, फिर लास्ट में है 22, क्या आएगा 22। तो सबसे बड़ा नंबर 75, उससे छोटा 65, उससे छोटा 49, उससे छोटा 22। तो ये हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर्स में हमने लिख दिए, ओके बच्चों। अगर आपको पता नहीं चल पाए, मतलब आप कर नहीं पाओ कि लाइंस के अकॉर्डिंग कर नहीं पाओ है ना, तो आप कैसे करोगे फिर, डिजिट के अकॉर्डिंग देखना कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो फर्स्ट डिजिट पर अंडरलाइन, यहाँ भी फर्स्ट पर, यहाँ भी फर्स्ट पर, यहाँ भी फर्स्ट पर, सभी नंबर्स के फर्स्ट डिजिट पर अंडरलाइन कर ली। अब हमें देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, वही तो लिखेंगे पहले हम, तो सबसे जो बाद में नंबर आता है वही हमारा सबसे बड़ा नंबर होता है। तो 7 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, तो 0 से काउंटिंग कर लेंगे, कौन सा नंबर बाद में आता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सबसे बड़ा हो गया, सबसे बाद में आता है, तो 75 सबसे बड़ा हो गया। फिर इसे छोड़ के अब इन तीनों में से देखेंगे सबसे बाद में नंबर कौन सा आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, तो 6 आता है ना पहले, पढ़ लीजिए काउंटिंग, 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 आया, ठीक है, इनमें से 6 बड़ा हो गया, 22 49 में से 65 सबसे इनमें से बड़ा हो गया, 22 49 65 बड़ा हो गया, तो 65 लिख दिया, 75 से छोटा
65। ठीक है, फिर अब इन दोनों में से देखेंगे सबसे नंबर बाद में कौन सा आता है, 2 आता है कि 4 आता है, तो 4 आता है मतलब 49 आएगा। क्या आएगा? 49। क्या आएगा? 49। फिर सबसे छोटा हमारा 22 हो गया, तो कैसे लिखेंगे? 75, 65, 49, 22। तो देखिए, बड़ा नंबर, फिर से छोटा, फिर से छोटा, फिर सबसे छोटा, तो यही हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर्स हो गया। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट वाला करते हैं हम। नेक्स्ट नंबर है 51, 90, 57, 29। 51, 90, 57, 29। तो सबसे बड़ा नंबर देखना है, तो ये 50s की लाइन में आया 51, ये 90s, ये 50s, ये 20s। तो सबसे बाद में लाइन किसकी आती है? 90s की आती है ना, तो 90 सबसे बड़ा नंबर हो गया, 9090। कॉमा लगा देंगे, ये 90 हो गया। अब इन तीनों में से देखना है 51, 57, 29। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इन तीनों में, 51, 57, 29 में? तो दो 50s के हैं और 20s का एक है, तो 50s का बड़ा हो गया ना, क्योंकि बाद में आता है। तो देखिए 50s के में दो नंबर हैं, 51 और 57। तो 51 पहले आता है, सॉरी 50s की लाइन में कौन बाद में आता है, 51 आता है या 57 बाद में आता है? तो 57 आता है ना, तो ये बड़ा हो गया, तो 51 से 57 बड़ा हो गया, तो बड़ा लिखेंगे ना, तो 57। 57 के बाद 51 ही तो आएगा, 20s की लाइन तो नहीं आ जाएगी, तो 51। और फिर लास्ट में 29, तो 90 से छोटा 57, 57 से छोटा 51, 51 से छोटा 29। तो ये हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर्स हो गए। अब आपको पता नहीं लगा पा रहे हैं आप, मतलब आप लाइन से पता नहीं लगा पा रहे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो मैंने आपको बताया ना कि फर्स्ट डिजिट पर अंडरलाइन कर लो, फिर आप पता लगा लोगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, डायरेक्ट नहीं बता पा रहे, तो आप ऐसे कर सकते हो, फर्स्ट डिजिट पर अंडरलाइन कर लो, फिर पता लगा लोगे आप सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। जो सबसे बाद में आता है वही तो सबसे बड़ा होता है, तो 5 आता है, 9 आता है, 5 आता है, 2 आता है, तो 5 के तो 2 है। पहले तो हम ये देखेंगे सबसे बड़ा नंबर, मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा आता है, सबसे बाद में नंबर कौन सा आता है, 9 आता है ना, 5, 9, 5, 2, तो सबसे बाद में आता है 9, तो 90 हमारा सबसे बड़ा हो गया, लिख गया ना। फिर 51, 57, 29, तो यहाँ 5 पर अंडरलाइन है, यहाँ भी 5 पर अंडरलाइन है, यहाँ 2 पर है, तो कौन सा बाद में आता है, यहाँ 5 के 2 हैं और 2 का 1 है, 2 वाला तो छोटा हो गया, अब मतलब पहले आता है 2, ये तो छोटा हो गया, अब 5 और 5 दो एक से हैं, है ना, तो हम पता नहीं लगा पा रहे कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है, तो बाद वाले नंबर पर सर्किल बना लेंगे। अब 1 और 7 में नंबर कौन सा पहले आता है, सॉरी कौन सा बाद में आता है 1 और 7 में? 7 आता है ना बाद में, क्या आता है? 7, काउंटिंग कर लो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये बाद में आया, तो ये बड़ा नंबर हो गया हमारा, तो 57 लिख दिया, तो 90 से छोटा 57, अब 51 आएगा, 57 के बाद 51, ठीक है, तो 51 लिख दिया, लास्ट में 29 सबसे छोटा है। ठीक है बच्चों, ऐसी आप सभी अपने जितने भी बचे हैं ना, तो सभी आप कंप्लीट कर लेना। ओके बच्चों, और ये वाला सारा वर्क आपको किस में करना है, ये वाला सारा वर्क वो तो बुक में मैंने आपको बता दिया था पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला सारा आपको किस में करना है, नोटबुक में, किस में करना है, नोटबुक में, ये वाला वर्क, ये वाला वर्क और ये वाला वर्क, सबको किस में करना है, नोटबुक में। जो क्वेश्चंस रह गए हैं ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा अपने आप। ओके बच्चों, अच्छी अच्छी राइटिंग में करिएगा। ओके, बाय बाय।